नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेके आ चुका हूँ आज 8 मार्च के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए थे, तीनों पारियों में, तीनों शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए थे आज के, उनका पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ कि कैसा आज का दिन रहा, आज का पेपर का लेवल क्या था, और काफ़ी क्वेश्चन भी है मेरे पास, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि लेवल किस टाइप का था, 7 तारीख के जैसा था यानी कल वाले जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जैसा था, या उससे हार्ड था या उससे ईजी था, पूरा अगर आपको जानना है। आगे आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है वो पूरा ये वीडियो देखना, उनको ये पता चल जाएगा कि एक एग्ज़ाम किस टाइप से हो रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग हम देखते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के सेम टू सेम वही पैटर्न आ रहे हैं जो 7 तारीख को पूछे गए थे, और वो का वो लेवल है ईजी। ठीक है, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा क्योंकि ईजी लेवल के क्वेश्चन से कुछ एक आधा क्वेश्चन अगर मॉडरेट लेवल का आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज रीजनिंग बहुत ईजी लेवल की आ रही है और उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कल पूछे थे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विषम संख्या बताइए। 17, 23, 19, 21 विषम संख्या सबसे है, इसमें 21 है आंसर इसका। वैसे तो विषम संख्या कल भी पूछी गई थी, आज भी पूछी गई है। कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया था, वो कल भी आया था, वो मैंने आपको, अगर आपने वो नहीं देखा है तो कल वाला हमारा वीडियो देख लेना, 7 मार्च का, जो मैंने पूरा एनालिसिस बताया था तीनों शिफ्ट का वो। उसके बाद रक्त संबंधी प्रश्न कल भी पूछा गया था और आज भी, दिशा संबंधी प्रश्न भी कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। सीरीज़ के क्वेश्चन तो दोस्तों आप रट लीजिए, सीरीज़ के क्वेश्चन तो हर बार आएंगे, हर हर एग्ज़ाम में आएंगे, आपके जितने भी पारियों के एग्ज़ाम आने वाले, आगे आने वाले दिनों में हर एक आएगा सीरीज़ के। कल भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, आज भी आए। त्रिभुज का एक क्वेश्चन आया है और 7वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे समाचार पत्र संपादक से रिलेटेड है, वैसे फिल्म किससे रिलेटेड है। तो ये है रीजनिंग का पूरा लेवल। तो रीजनिंग को फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग का जो लेवल था वो ईजी था और मॉडरेट लेवल का भी अगर मैं कहूँ तो 2-4 कोई क्वेश्चन होंगे तो होंगे, अदरवाइज नहीं है। और बात रही बात मैथ्स की, तो सुनने में दोस्तों इतना आया, पूरा पक्का नहीं पता, सुनने में इतना आया है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। ठीक है, आएंगे तो एक आधे क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज आ ही नहीं रहे, सुनने में यही आ रहा है। तो रीजनिंग पे पूरा फोकस कर लीजिए, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। और टॉपिक मैंने आपको बता ही दिए हैं, ये है, और भी थोड़े बहुत टॉपिक मैंने कल वाले वीडियो में बताए थे। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। दोस्तों, रीजनिंग के बाद दूसरा सबसे मेन सब्जेक्ट निकल के आ रहा है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर कि किसी ने आज नहीं की थी कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, एक दो से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग ऐसा मान लीजिए एक पारी में 7-8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सुनने में यही आया कि किसी पारी में 7-8 क्वेश्चन पूछे गए कंप्यूटर के। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आया कि परम किस कंप्यूटर से संबंधित है। उसके बाद आपको कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। एक तो फुल फॉर्म्स आप पढ़ लीजिए, कंप्यूटर में जो बेसिक नॉलेज होता है उसकी सभी फुल फॉर्म्स पढ़ लीजिए, बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। क्वेश्चन वैसे पूछे जा रहे हैं, कीबोर्ड्स कीबोर्ड्स के जो शॉर्टकट्स है, कीबोर्ड्स के जो कीज़ होती है उनका फंक्शन क्या होता है वो पढ़ लीजिए, और बेसिक कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी एसेसरीज़ हैं उनके जो फंक्शंस है वो पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके ये रीजनिंग कंप्यूटर और ये सबसे अच्छी है ना, तो पक्का आप कट ऑफ पार कर लोगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। देखो, भाग बी में जो आपका करंट जीके, सामान्य विज्ञान और आपका ये जो कंप्यूटर का रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जिनकी बहुत अच्छी होगी, करंट जीके जिनकी अच्छी होगी, वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यही थोड़ा सा हार्ड लेवल आ रहा है भाग बी का, क्योंकि इनमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान की बात करें तो पहला क्वेश्चन देख लिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम। कल वाले एग्जाम में पूछे जा रहे थे विटामिन के बारे में, के विटामिन के का आया था, आज विटामिन सी का आ गया, तो विटामिन का क्वेश्चन डेली आ रहा है। डेनियल सेल का एक क्वेश्चन आया था, खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। चौथा क्वेश्चन देखिए, वायुयान टायर में कौन सी गैस होती है, वो पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन, दूध कैसा घोल है, वो पूछा गया है। छठा क्वेश्चन, भाप का इंजन किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। सातवां क्वेश्चन, बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ये इन टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिए, सामान्य विज्ञान एकदम अच्छी कर लीजिए, कंप्यूटर अच्छी कर लीजिए, भाग भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आप जीके की। ठीक है, राजस्थान जीके, करंट जीके, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और करंट जीके का तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है करंट जीके पे, और लेवल भी थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई जा रहा है करंट जीके पे। ठीक है, तो करंट जीके ज़्यादा फोकस करो। पहला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई। दूसरा, मनरेगा से सर्वप्रथम कितने जिले जुड़े। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान मुख्यमंत्री को हरिकेन पुरस्कार कब मिला। चौथा क्वेश्चन, कर्क रेखा कौन से जिले से गुजरती है। पाँचवा क्वेश्चन, अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों अब, राजस्थान पर्यटन विकास आयोग स्थापना 1978 में। सातवां क्वेश्चन, 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी।
करंट जीके पे कुछ ज़्यादा ही फोकस हो रहा है दोस्तों। करंट के जितने भी 5 से 6 महीने के क्वेश्चन है पढ़ लीजिए। और 8वां क्वेश्चन, राजस्थान में आईटी विभाजन कब किया गया। 9वां क्वेश्चन, बाबूलाल वर्मा वर्तमान में राजस्थान के कौन से मंत्री है। तो ये वर्तमान की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, एनआरआई डे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, फुल फॉर्म्स आज वाले दिन में कुछ ज़्यादा पूछे गए हैं कल वाले दिन के कंपैरिजन में। तो एनआरआई डे कब मनाया जाता है वो पूछा है। 11वां क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म पूछा है रेडा का, REDA, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। 12वां क्वेश्चन, राजस्थान 2017 में एकल पुरुष खिताब बैडमिंटन किसने जीता। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं इस बार, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देख के जाना। 13वां क्वेश्चन, पुराने विधानसभा को किस नाम से जाना जाता है वो पूछा है। 14वां क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। 15वां क्वेश्चन, दीपा कर्मकार किस खेल से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन, लिंबाराम किस खेल से संबंधित है ये पूछा है। एक और एनएच के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दो से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं एनएच के। 17वां क्वेश्चन देखिए, NH8 कहाँ से गुजरता है। 18वां क्वेश्चन, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन, एकीकरण के अंतिम चरण की तिथि। कल भी पूछा गया था क्वेश्चन एकीकरण का, आज भी पूछा गया है क्वेश्चन एकीकरण का, तो एकीकरण पर पूरा ध्यान दीजिए। 20वां क्वेश्चन, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का पूछा गया है। 21वां क्वेश्चन, प्रथम विधानसभा सचिव कौन थे। 22वां क्वेश्चन, NH12 किन जिलों से गुजरता है। इनमें नीचे आपको ऑप्शन गिवन होंगे तो आपको वो टिक करना है। 23वां क्वेश्चन, 7वां वेतन आयोग कब से लागू किया गया। ये तो अभी रिसेंट में ही हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, जुलाई 2017 से राजस्थान में लागू किया गया है। और 24वां देखिए क्वेश्चन, कछवाहा वंश का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ। 25वां क्वेश्चन, सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। 26वां क्वेश्चन, दुर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी चित्तौड़गढ़ से। कल भी चित्तौड़गढ़ का क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी चित्तौड़गढ़ का क्वेश्चन पूछा गया है। 27वां क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन जो कि है राजस्थान में। 28वां क्वेश्चन, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं इस बार। 29वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जैसलमेर। 30वां क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ये पूछा जा रहा है। साक्षरता वाला जिला जनसंख्या के चीज़ें, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए। 31वां क्वेश्चन, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ। और ये जो हमारे देवी देवता है, लोग देवी देवता, इन पर डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। कल बाबू जी का आया था, आज रामदेव जी का आ रहा है। 32वां क्वेश्चन, नाथद्वारा में मीरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया। और 33वां क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रम वाइज लिखें। ये जो आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें क्रम वाइज लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किस में है, फिर कम किस में, फिर कम किस में। इस टाइप से आपको ये जो चीज़ें पूछी जा रही है उनके आपको वहाँ पर आंसर देना है। 34वां क्वेश्चन, तेजाजी पशु मेला कौन से माह में लगता है। 35वां, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। 36वां क्वेश्चन, राजस्थान की पुरुष साक्षरता क्या है। 37वां क्वेश्चन, वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। 38वां क्वेश्चन, फिर से एक फुल फॉर्म का है बूट का, BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। तो आपको फोकस क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको ये बता देता हूँ। करंट जीके पे, साइंस पे, कंप्यूटर पे, क्योंकि आपकी राजस्थान जीके आपने पहले से पढ़ी हुई है तो वो तो चलो आपको रिविजन नहीं करनी है। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा में पढ़ना है वो आपके करंट अफेयर्स, साइंस और कंप्यूटर, ये चीज़ें पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए। और जो आपके ये राजस्थान जीके पूछा जा रहा है इनमें दुर्ग, उपनाम, दिवस, नदियों के नाम, देवी देवता, संप्रदाय, किसान आंदोलन, ये चीज़ें हैं, चित्र शैली, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, NH के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ज़रूर। और दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम आगामी आने वाले दिनों में, वो अपना व्हाट्सअप नंबर और एग्ज़ाम डेट नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए एक वीडियो में।